नमस्कार दोस्तों। तो यहाँ पर आप सबसे पहले प्रॉफिट देख लीजिए कि यहाँ पर अभी हमने प्रॉफिट यहाँ पर बुक करा है और मेरे पास कुछ पैसे हैं, तो जिससे कि मैं आपको एक ट्रेड भी लेकर बताऊंगा। तो यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर मैं बताऊंगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो बातें हैं इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो देखो, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं वो डिस्कस करूँगा, अगर आप वो डिस्कस नहीं करूँगा तो आप हज़ारों रुपये का नुकसान कर लेंगे। देखो, ऑप्शन ट्रेड अगर आप करो तो आपको जो एग्जिट लेना है वो एक्सपायरी तक वेट नहीं करना है। अगर आप एक्सपायरी तक वेट करोगे ना तो आपका क्या होगा, नुकसान हो जाएगा, क्योंकि एक्सपायरी के दिन अगर आपके हिसाब से मार्केट ने परफॉर्मेंस नहीं करा तो आपका पूरा पैसा डूब सकता है। जैसे कि देखो, इसकी जो एक्सपायरी थी वो 4 अगस्त थी, तो लेकिन मैंने 3 अगस्त को इसलिए एग्जिट कर लिया क्योंकि मुझे पता था अगर कल मार्केट नहीं गिरेगा तो मेरा पैसा डूब जाएगा, इसलिए मैंने इसको एग्जिट कर लिया है। ठीक है, तो आप भी ऐसा ही करें। अब मैं जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताऊंगा। उसके बाद जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करें तो आप एक लिमिट में ऑर्डर लगाइए। लिमिट से ये रहता है कि आपको कम प्राइस पे मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो रोज़ रोज ट्रेड मत कीजिए, एक बार प्रॉफिट ले लीजिए और थोड़ा सा वेट कीजिए अगर मार्केट अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है तो। उसके बाद मैं आपको एक और बात बता दूँ, काफ़ी लोग बिगिनर होते हैं तो वो ये सोचते हैं कि उन्होंने निफ्टी को 16,000 पे बाय कर लिया और 16,000 पे बाय करा लेकिन निफ्टी 16,020 हो गया लेकिन उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो प्रॉफिट यहाँ से आपका जो एवरेज प्राइस रहता है उससे होता है, आपने कितने एवरेज प्राइस पे उसको वाय करा है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा है, यानी जैसे कि मैंने एवरेज प्राइस 190 पे लिया और अभी 190.20 चल रहा है, तो यहाँ से मुझे प्रॉफिट और लॉस होगा, तो इससे मुझे मतलब नहीं उतना। निफ्टी वैसे बढ़ेगा तो ही यहाँ हमारा प्रॉफिट होगा, गिरेगा, लेकिन अभी निफ्टी क्या है लगभग उतने पे ही चल रहा है जितने पे मैंने लिया था, बल्कि और ज़्यादा बढ़ गया है इसलिए मुझे लॉस हो रहा है ना। तो ये एक सिंपल मेथड होती है। अब लेना कैसे है और कैसे ट्रेड करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कि 3 अगस्त है आज और 4 अगस्त को एक्सपायरी है, लेकिन आप एक बिगिनर हैं तो जैसे कि मैंने ऊपर वाला जो ऑर्डर ले रखा है 11 अगस्त का, तो आप भी थोड़े बाद का ऑर्डर लें, मतलब जिस दिन एक्सपायरी आने वाली है अगले दिन उस दिन का नहीं लीजिए, उसके अगले हफ्ते का ले लीजिए। उससे ये रहता है कि मार्केट उतने में अच्छा परफॉर्मेंस, जैसा आपके हिसाब से परफॉर्मेंस कर जाए तो आप एग्जिट कर सकते हो या फिर आपका ऑर्डर को जो है मतलब कैंसिल कर सकते हो अगर आपने लिमिट में लगाया है या फिर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत ही लॉस हो रहा है, पूरा पैसा डूब सकता है, इसलिए आप निकल सकते हो। तो ये अब मैं आपको ट्रेड एक लेके बताऊंगा। यहाँ पर देखो, मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी गिरने ही वाला है ना, निफ्टी यहाँ से और गिरेगा, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और क्लिक करने के बाद सबसे पहले मैं अपने हिसाब से पैसे का देखूंगा क्योंकि मेरे पास काफ़ी कम पैसे हैं, हो सकता है मैं ट्रेड वैसे तो मैं आपको बता देता हूं लूँगा या नहीं लूँगा। तो चलिए मैं यहां से 18 अगस्त का अब कॉल ऑप्शन बाय करने की कोशिश करता हूं। कॉल ऑप्शन यहां पर मैं बाय करूँगा। तो ये जो है 6 रुपये वाला है एक, है ना, ये 9 रुपये वाला है, तो यहाँ पर हम 9 रुपये वाला लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है उस दिन हो सकता है इतने पे पहुँच जाए। चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं 11 अगस्त का, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 18,000 के हो सकता है, 18,000 के आसपास पहुँच जाए, नहीं तो मैं इसको एग्जिट कर दूंगा। तो मैं आपको लेके बता रहा हूँ, है ना, मुझे ऐसा लगता है। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और बाय बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम देखेंगे तो 500 मतलब मेरे पास अभी बैलेंस है, काफ़ी ज़्यादा मेरे पास बैलेंस है, इसलिए मैं एक बड़ी ट्रेड ले लेता हूँ क्योंकि मैंने को यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि मेरे पास बस 771 रुपये है, तो अभी मैंने प्रॉफिट बुक करा था इसलिए मेरे पास पैसे हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं जो है इस पर क्लिक करूँगा, व्यू ऑप्शन पर क्लिक करूंगा और मैं फिर से 11 अगस्त का ही जो है एक कॉल ऑप्शन यहाँ पर बाय करूंगा। तो मैं ये देखता हूँ सबसे कम वाला जो कॉल ऑप्शन होगा, तो 18 अगस्त पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सब महंगे महंगे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मेरे को सर्दी हो रही है काफ़ी ज़्यादा तो वही कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इसलिए हम यहाँ पर चेक करते हैं, हो सकता है ये वाला कॉन्ट्रैक्ट हमको मिल जाए। तो बाय बटन पर हम क्लिक करेंगे और ये कॉन्ट्रैक्ट हम यहाँ से ले सकते हैं। तो मैं इस पर बाय बटन पर क्लिक करके यहाँ से मैंने इसको ले लिया है। ठीक है, अब ये लगभग 39 पर चल रहा था निफ्टी, मतलब 39 पॉइंट नीचे, अब देखते हैं कितना मेरे को मिलता है। अब देखो, ये हो सकता है मेरे को 45 पॉइंट पर भी कोई प्रॉफिट ना हो क्योंकि इसकी वैल्यू के हिसाब से ये रहता है, टाइम वैल्यू के हिसाब से। ठीक है, जितने जल्दी गिरेगा उतना जल्दी फायदा होगा, जितना ऊपर जल्दी जाएगा उतना ही हमको नुकसान होगा, तो ऐसा इसमें चलता रहता है। तो निफ्टी डेफिनेटली आज गिरेगा क्योंकि आज बुधवार है और एक्सपायरी से एक दिन का पहले का है और मार्केट अभी पिछले कुछ वीक से खतरनाक तरीके से बढ़ रहा था, जैसा कि मैं आपको बताऊं तो आप देख सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि कल डाउ जोन्स भी गिरा तो हो सकता है हमारा निफ्टी भी थोड़ा सा यहाँ से गिरेगा और लगभग 70-80 पॉइंट या फिर हो सकता है 1-2% 1.5% भी गिर सकता है, क्योंकि लास्ट में जब क्या बोलते हैं जब 3 बजती उसके बाद बहुत
तेज मार्केट गिरती या फिर बढ़ती है, तो मुझे ऐसा लगता है गिरेगी। तो अभी यहाँ पर मैं जो है मैंने कर दिया, और अगर आप क्रोयो का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ध्यान रखें, अगर आपके प्राइस फ्लैक्चुएट नहीं हो रहा है तो आप कस्टमर केयर को कॉन्टैक्ट करके उनसे हेल्प ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ से ये ट्रेड ले ली है, और अब देखो मार्केट गिरा भी है, तो अब मुझे देखो अभी ये फ्लैक्चुएट नहीं हो रहा था, हालाँकि कभी कभी हो जाता है, कभी कभी इसमें बग आ जाते हैं, तो कोई ना वो अभी हो जाएगा, लेकिन अभी हमको कुछ अलग ही देखने को मिलता है ग्रो में। हालांकि यहाँ पर अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप ग्रो से ही स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि इसमें इस समय पर क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा लोड होता है, चक्कर में दिक्कत हो जाती है। हालांकि ये क्यों नहीं कर रहा, देखो अब करा है तो थोड़ी देर बाद फ्लैक्चुएट करता है कभी कभी मार्केट भी। यहाँ पर निफ्टी बहुत जल्दी नहीं गिरता बढ़ता, इस चक्कर में बहुत जाम हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।